डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया और फुल गाइडेंस दी शुरू से ही। साथ में एडीसी साहब और एडीडीसी साहब हैं, हमारे जितने भी अफसरान जो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी इस तरह की गाइडलाइंस मुझे लगता आगे भी रहेगी। इस तरह के प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हो, उस तरह के हमें सपोर्ट मिलते रहे, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूर दराज इलाकों से आए हुए हमारे जो शायर लोग हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए और अपनी शायरी से हम सबको रूबरू करवाया। और हमें भी पता चला कि इस तरह के टैलेंटेड शायर हमारे डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ में भी हैं। और साथ में हमारे जो बच्चे हाई सेकेंडरी स्कूल से आए और साथ में रंजीत सर और राय सिंह सर, उनको लेके आए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में राय सिंह सर का बहुत अच्छे से उन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया, अपने इस स्टेज सेक्रेटरी का जो रोल था उन्होंने बखूबी निभाया। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट स्पेशली मैं विजय कुमार जी की बात करूंगा, वो भी लालचंद जी हमारे नोडल ऑफिसर कल्चर के, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा हमारी टीम को, तो मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हमारे मीडिया पर्सन हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अगर वो हैं तो ये जो बंद कमरे में प्रोग्राम हुआ वो बहुत दूर दूर तक जा सकता है, सुन सकता है, कल परसों जब भी हो वो लोग सुन सकते हैं। तो इसी तरह से एक बार फिर से मैं सरगम संगीत सोसाइटी की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सबकी तरफ जो भी यहाँ पे हजरात आए उनका एक बार फिर से शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होते रहेंगे। एक मैं इस हिसाब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट 1 अप्रैल 2007 में एग्जिस्टेंस में आया, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग शुरू हुआ, तो उसका तब से आज तक कोई रेजी ने सेलिब्रेट नहीं होता है। तो मुझे लगता है अगर इस तरह का कोई हर साल फंक्शन हो 1 अप्रैल को, जिसमें बच्चे अपनी प्रिपरेशन करें और एक्सलेंट और टैलेंटेड बच्चे जो हैं उनको नवाजा जाए, और डिपार्टमेंट के कोई भी जो ऑफिसर्स या कोई भी है जिसने अच्छा काम किया उस दिन उनको ऑनर किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए। और साथ में 26 जनवरी और 15 अगस्त को मेरे हिसाब से रखना पड़े क्योंकि वहां पर बहुत लंबी लाइनें लग जाती है, वो उस दिन 1 अप्रैल को जो इस्टेब्लिशमेंट डे है डिस्ट्रिक्ट रामबन का उसी दिन हो जाए। तो आगे इनके साथ बहुत अच्छी सजेशन दी है, मुझे लगता है कि इस साल मिस कर गए ऑपर्चुनिटी, लेकिन नेक्स्ट ईयर से हम रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का फाउंडेशन भी जो हमारी पहली बात होगी उसका एक आ सकता है कि फिक्स कैलेंडर हम रखेंगे। यस सर, यस सर, मेनू भी रखेंगे उस सर। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी। रौनक जी का जो प्रपोजल आया उसमें सारा इनिशिएटिव बैकग्राउंड पे जितना भी काम है वो हमारे राजन जी ही करते हैं। आपको पता है ये इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर है, लेकिन इनकी और मेरी जो पार्टनरशिप है वो बहुत पीछे जाती है, 14-15 साल इन्फॉर्मेशन में होता था, उसी महकमे में काम करते थे। और मैं बड़े वसूल से कह सकता हूँ कि उर्दू जबान पे जितनी महारत इनकी है शायद ही किसी की हुई है, और ये एक बिल्कुल एक रेयर कमोडिटी है। इनसे बात करने के बाद आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि कितने 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 टैलेंटेड, कितने फन के माहिर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी, आप न सिर्फ अपने नेशनल लेवल पर काम करते हैं लेकिन मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ में जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ के कल्चर करने में वो इनवैल्यूएबल रहा है, और आने वाले टाइम में भी आपकी कोऑर्डिनेशन की जो एबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है, इससे फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी टीम के साथ जो दूर दराज इलाकों के जो स्कूल्स हैं, ताकि उन लोगों को कम से कम जैसे अगर हाई सेकेंडरी स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो वो कंट्री, धुंधराट, पोगल, यहाँ से आके यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म उनको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम वहीं पे जाके उन्हीं के स्कूल्स में एक दिन का अगर वर्कशॉप रखें, थोड़ा बेसिक सा उनको एक आइडिया दें। तो मुझे पिछले मतलब हमने डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा वेट करें, तो हमारे नए चीफ ऑफिसर आए हैं देव जी, मैं इनके साथ ये प्रपोजल डिस्कस करूंगा। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप अपना जो सरगम संगीत सोसाइटी है उसका कोई ट्विटर का कोई हैंडल या फेसबुक का कोई पेज खोल दीजिए और कोशिश कीजिए जितने जितने हमारे शोरा हजरात ने जो आज कलाम पेश किया, अगर इतनी छोटे छोटे स्निपेट्स आप बनाएं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि रावत के लोग सारे जुड़ जाएंगे।
ठीक है ना, और ये इट विल बिकम सम सॉर्ट ऑफ अ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू। मुझे याद है कि जब मैंने राकर डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किया तो हमारे ट्विटर हैंडल पे शायद मुश्किल से 1,500-2,000 फॉलोअर्स, आज की डेट में 11,000-12,000 फॉलोअर्स है। यानी ये एक अचीवमेंट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कि इन्होंने 10,000 लोगों को अपने साथ जोड़ दिया, और कहीं ना कहीं हमें शायद अपना प्रेसिडेंट निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसको सोशल मीडिया पर ट्रैक्शन दीजिए, ट्विटर हैंडल पे आइए, जैसे आज सब ने इतने शानदार शानदार अपना कलाम पेश किया, ये मेहनत का काम है लेकिन इसका फल आपको मिलेगा। फेसबुक पे जाएंगे मुझे लगता है या ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आईटी के साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको करें, सबसे पहले मैं फॉलो करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।